Today is a very important day for Ashoka University, but particularly for the archives. The archives of contemporary India, our head is Deepa Bhatnagar, whom many of you perhaps know. She's one of the very respected archivists in India. She joined us in January. And the new library building, the entire basement will be the archive. And we have consciously named it Archives of Contemporary India, concentrate on events of post-independent India. We have papers of several eminent Indians, but it's a special honor for us today to welcome Shri Chandi Prasad Ji. Isse pehle ki main Chandi Prasad Ji ka abhinandan karun, main yehi kehna chahunga ki aaj ke vartman halat mein, unka yahan aana hamare liye ek bahut shubh avsar hai. Iske kai wajah hain, lekin sabse badi wajah ye hai ki aise samay pe jabki manav samaj aise sankat se guzar raha hai, aise uljhanon se jooj raha hai, जहाँ इंसान और इंसान के बीच हिंसा होता है, इंसान और कुदरत के प्रति जो एक अहिंसात्मक ढंग से वर्ताव बदलने की, मानसिकता बदलने की आवश्यकता, जिस पे वर्तमान हालात में हर देश में चर्चा हो रही है, आज नहीं लेकिन आज से 50-70 साल से भट्ट जी और उनके साथी हिमालय पर्वत में जो काम कर रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है उन्होंने सारे दुनिया को एक नई राह दिखाई है. इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, मैं अभी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रताप भानु मेहता से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें. देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ. आज अशोका के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है. यहाँ पे उच्च कोटि के शिक्षक कई बार आते हैं, बड़े राजनीतिक नेता आए हैं, बहुत तरह के समृद्ध लोग आए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पहली बार कोई संत अशोका के कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं. और अगर आप ये एक सवाल पूछें कि संत किस तरह से, क्या गुण होते हैं संत होने के, त्याग, समर्पण, करुणा, लेकिन सबसे अहम बात एक दूरदर्शिता, एक ऐसी सोच जो हम लोगों को अभी असंगत लगती है, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो आप ये समझेंगे कि हाँ, यही वाकई में सच्ची सोच है. आपकी एक किताब है अधूरा ज्ञान और काल्पनिक विकास, और अगर आप ये कहें कि संत ज्ञान के संदर्भ में क्या करता है, ज्ञान के संदर्भ में हर संत अधूरे ज्ञान के खिलाफ लड़ता है और काल्पनिक विश्वासों को जड़ों से निकाल के फेंकता है, ताकि जो आप में विश्वास जागे वो बिल्कुल सही तरह का विश्वास जागे. संत क्या करता है? हम लोग दर्शन की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तर्क वितर्क की बात करते हैं, लेकिन दर्शन को जीवन शैली में कैसे उतारा जाए, ये हम प्रोफेसरों के बस की बात नहीं है. यू नो, नीचे वन सेड वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, नो लिविंग फॉर ट्रूथ इज पॉसिबल इन अ यूनिवर्सिटी, राइट? इफ यू वांट लिविंग फॉर अ ट्रूथ, दर्शन को जीवन शैली में कैसे उतारा जाए, देन यू हैव टू लुक एट द एग्जाम्पल दैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अशोका को जो एक अमूल्य विरासत दी है यहाँ आके, और हमारे आर्काइव्स में जितना आपका समेटा हुआ ज्ञान है वो अशोका के स्टूडेंट्स को जो मौका मिलेगा वो पढ़ने का, वैसी अमूल्य देन अशोका के इतिहास में ऐसी गिफ्ट किसी ने अशोका को नहीं दी है. तो मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अशोका. Now request Vice Chancellor to present a small shawl as a token of our respect for our Chief Guest. We are very honored today to have with us two very leading scholars.
प्रोफेसर शेखर पाठक एंड प्रोफेसर रामचंद्र गुहा. मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब से हाई स्कूल कॉलेज में था दोनों से परिचित रहा हूँ, और शेखरदा से जब हमने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि अगर भट्ट जी आ रहे हैं तो मैं अवश्य आऊँगा. शेखरदा के लेखों के बारे में आप सब जानते हैं, कूनी उतार आंदोलन हो या उत्तराखंड की समस्त जानकारी के बारे में हो. उत्तराखंड के बारे में न केवल उन्होंने किताबें लिखी हैं लेकिन उन्होंने एक अभिलेखागार शुरू किया है विच इज़ एक्सेसिबल ऑन वेब. इट्स अ रिमार्केबल वेबसाइट ऑफ पहाड़. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पहाड़ इज अ जर्नल विच इज़ एंड्योर्ड फॉर ओवर 30 ईयर्स. इट्स एन एनुअल जर्नल एंड एज द नेम सेज इट इज़ अबाउट द माउंटन्स. सो पर्वत की आवाज़ जो है उसकी उसके वो प्रतीक भी हैं. ही इज़ अ सिंबल ऑफ द वॉइस ऑफ द माउंटेन. सो आई विल रिक्वेस्ट श्री शेखर पाठक, प्रोफेसर शेखर पाठक टू वेलकम आर चीफ गेस्ट बट ऑल्सो से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम बिकॉज ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद भट्ट जी फ्रॉम द टाइम ही वॉज अराउंड द एज ऑफ मोस्ट ऑफ माई यंगर फ्रेंड्स इन द रूम. शेखर, अशोका हिंदी तो सब समझ लेते हैं ना. अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेहता, भट्ट जी, राम, महेश और सभी मित्र, हमारे रमेश जी, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसे खजाने को हासिल किया है भट्ट जी के माध्यम से जो न सिर्फ एक संस्था के जन्म लेने, विकसित होने और बड़े होने की कहानी है बल्कि हमारे हिस्से के हिमालय में जनसंघर्षों की दास्तान भी उस संस्था के साथ जुड़ी हुई है, चिपको आंदोलन की और बहुत सारे और जन आंदोलनों की. उन दस्तावेजों में ऐसे दस्तावेज भी हैं जो ये जो परिवर्तन इस दौर में हुआ है और जिस तरीके से बाजार की अर्थव्यवस्था आई है, जिस तरीके से हिमालय के बड़े हिस्से को ध्वस्त करने की कोशिशें हो रही हैं और इधर बढ़ गई हैं, उस सब का भी एक तरीके से आईना ये दस्तावेज होंगे. इसके अलावा युवाओं के और महिलाओं के किसी सामाजिक प्रोटेस्ट में, किसी सामाजिक जागृति की प्रक्रिया में शामिल होने की कहानी भी उन दस्तावेजों में है. और उस दस्तावेज का सबसे बड़ा खजाना जो आपने हासिल किया है वह है सरला बहन के वो दुर्लभ पत्र जो उन्होंने अपने साथियों के उस दौर में लिखे, जिन सबको देखने का मुझे भी सौभाग्य मिला. तो ये पूरी अमानत आपके पास आई है और हमारी ये उम्मीद है कि ये एक सार्वजनिक अमानत की तरह यहाँ रहेगी और देश दुनिया के तमाम शोधार्थी इसको देख सकेंगे. इस बधाई के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरे हिस्से कुछ भट्ट जी की कहानी भी आपको बताने की है. वैसे तो आप सुपरिचित हैं, आजकल सुना कि ये इंटरनेट वगैरह से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, कभी कभी गलत भी. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक उनका छोटा सा इंटीमेट परिचय दूँ आपको. जैसे पिछली शताब्दी में बहुत सारे महापुरुष इस देश के जन्म ले रहे थे, वैसे ही हमारे आधुनिक भारत के जन आंदोलनों के बहुत सारे लोग जो हैं वो 20, 30, 40 के दौर में पैदा हुए हैं. ये सब लोग तो इन्होंने अंग्रेजी राज को जाते हुए देखा और हमारे राष्ट्रीय संग्राम के अंतिम जो चढ़ाव थे, जो ऊँचाइयाँ थी, उनका अनुभव इनको हुआ, खास तरीके से 42 का मूवमेंट. और फिर उन्होंने पार्टीशन का ट्रॉमा भी इन लोगों ने महसूस किया और उसके बाद फिर आज़ादी के बाद का दौर आया. तो भट्ट जी कभी 1934 में जो एक प्रमाण मिलता है या जन्म कुंडली मिलती है उसके आधार पर, भट्ट जी 23 जून ही मानते हैं आप अपना जन्मदिन? हाँ, वो क्योंकि निर्जला एकादशी थी तो उसको जब तारीख में बदला गया तो 23 जून निकला. तो 23 जून 1934 को आपका जन्म हुआ गोपेश्वर के एक सामाजिक रूप से बहुत बड़े परिवार, आर्थिक रूप से बहुत गरीब परिवार, जो रुद्रनाथ के पुजारी भी हैं, एट द सेम टाइम एक बहुत जिसको कहेंगे कि सामान्य परिवार है. पिताजी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई. उसी गरीबी गर्दिश में पढ़ाई की, जैसा होता है पढ़ाई करने के दौर में उन दिनों, इस तरीके का नीचे जाके कहीं नौकरी करने का भी उतना रिवाज नहीं था फौज के अलावा. तो आपने जो गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन करके एक उसकी ट्रांसपोर्ट की कंपनी हुआ करती थी, उसमें एक अल्पकालिक सीजनल जिसको कहेंगे कि जब पिलग्रिमेज का दौर चलता है, उस दौर में वो वहाँ बाबू हुए. उसी दौर में 1936 में जब जयप्रकाश नारायण का आगमन हुआ, एक बार वो बद्रीनाथ की तरफ उधर की तरफ गए तो पीपलकोटी में 1956 में जब हमारा एक तरीके से
देश को आज़ाद हुए, समझिए कि आप अभी 10 साल पूरे नहीं हुए थे और संविधान को लागू हुए भी अभी 5-6 साल हो रहे थे, उस दौर की बात है। जयप्रकाश नारायण को सुनने के बाद उनको लगा कि मुझे भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और एक तरीके से उनके भीतर जो उथल पुथल मची, ये 56 की बात है, पीपल कोटी में शायद वो लेक्चर दिया उन्होंने जो मेन हाईवे में है बद्रीनाथ के, और उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद मानसिंह जी हमारे एक बहुत बड़े सर्वोदयी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज से पढ़ाई करी थी, फिर अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में उनका चयन हुआ, लेकिन ही रिफ्यूज टू गो, और लौट के उन्होंने अपने इलाके में काम करना शुरू किया सर्वोदय के विनोबा के आंदोलन में। वो बड़े संपन्न परिवार के थे, उनकी 2 गाड़ियाँ थी, उसी कंपनी में वो 2 गाड़ियाँ थी जिस कंपनी में छोटी सी बाबूगिरी भट्ट जी ने शुरू की थी, और फिर उसके बाद उसको छोड़ के आगे आ गए थे। अगले साल 57 में फिर वो जब पहाड़ों की यात्रा उन्होंने की, उसी दौर में उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई जिसका नाम मल्ला नागपुर श्रम संपदा समिति रखी गई, जो श्रम करके सड़क निर्माण का काम करके संबल और गैंडी और कुदाल लेके, जो गोपेश्वर से मंडल वाली सड़क है, जो छिपको की भी एक सड़क थी एक तरीके से, जब गोपेश्वर से मंडल, मंडल से फाटा, फाटा से फिर इधर रैणी आई, उसमें वो काम करते थे। और चिंजीलाल भट्ट जैसे सहयोगी उनको मिले, शंभु प्रसाद जैसे सहयोगी उनको उस जमाने में मिले। इसी बीच उन्होंने 59 में कश्मीर की पहली यात्रा की, वो उनका कश्मीर का वो लेख उनका छपा हुआ है, और बाद में बहुत सालों बाद वो जब कश्मीर गए तो कश्मीर में इन 2 दौरों का फ़र्क उनके जो NBT से उनकी जो किताब छपी है उससे समझ में आता है कि 59 में कश्मीर की क्या स्थिति थी, और आज बहुत सालों बाद जब वो फिर दोबारा तिबारा गए तब किस तरीके का बदलाव आ गया है। 1960 में उनकी सुंदरलाल भगुना जी, जो उनके दूसरे बड़े सीनियर सहयोगी थे, उनसे पहली मुलाकात हुई। उसी साल बनारस जब वो गए तो बनारस में उनका सर्वोदय के बहुत सारे लोगों से, एक आप ये देखेंगे ना कि आज़ादी के बाद जो रूलिंग या अपोजिशन के नेता थे उनके अलावा एक बहुत बड़ा एक जिसको कहेंगे कि वृत्त था हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज का, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में हमारे देश को बड़ा योगदान दिया था। दुर्भाग्य है कि हम लोगों को सिर्फ राजनीति के चेहरे या कभी कभी जो सरकारी साइंटिस्ट होते हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं वो चेहरे याद रहते हैं, लेकिन ये तमाम लोग चुपचाप अपने अपने इलाकों में, इतने बड़े देश के अपने अपने इलाकों में काम कर रहे थे। तो उस दौर में उन्होंने बनारस में जब सर्वोदय के बड़ी बड़ी हस्तियों से वो किया तो उनको पता चला कि अब आज़ादी के बाद हमने गांधी के पूरी विचार को किस तरीके से नवनिर्माण के दौर में लगाना है, किस तरीके से एक सरकार पर नियंत्रण रखना है संतुलित, और किस तरीके से समाज को नवनिर्माण में शरीक कराना है। 60 के बाद जब वो वापस लौटे तो उसके बाद एक लंबी कहानी है कि उनका जो कोऑपरेटिव बना उसमें उस समय मुरारीलाल जैसे एक स्तंभ आए जो दलित परिवार से थे, भट्ट जी के सबसे अंतरंग मित्र हैं और आज भी सबसे सक्रिय व्यक्ति हैं। मैं कहूँगा कि अगर पूरे चिपको आंदोलन को आप भूल जाएँ, अगर थोड़ी देर के लिए पूरे ये इन्वायरमेंट के जो चर्चाएँ इतनी होती हैं वो भूल जाएँ, अकेले मुरारी लाल जी का अपने बराबर उनको ले आना और उनको उतना सामाजिक सम्मान दिलाना और उनको उतनी सक्रियता में बनाए रखना, वह अकेला उनका एक योगदान कहा जा सकता है अगर कभी आप हमारे समाज को और उसके विरोधाभासों को देखते हुए करेंगे। तो मुरारी लाल जी के साथ आनंद सिंह बिष्ट जो एक्स सर्विस आर्मी मैन थे वो भी इनके साथ आए, और उसी समय कुछ और लोग उसमें जुड़े जो बाद में हमारे दसौली ग्राम स्वराज मंडल के मंत्री भी रहे, कुंवर जी अभी बीमार चल रहे हैं, वो इसमें शरीक हुए। 64 में विधिवत DGSM की स्थापना हुई दसौली ग्राम स्वराज मंडल, जो कि चिपको की मातृ संस्था की तरह जिसकी चर्चा की जाती है। फिर एक शराबबंदी का दौर चला, आंदोलन का दौर चला, उसमें बहुत बड़ी सक्रियता हुई। टिहरी में आंदोलन हुआ, आंदोलन को दिक्कतें होने लगी तो गोपेश्वर से महिलाएं और पुरुष टिहरी में गए, गिरफ्तार हुए। बल्कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो फोटो किसी ने देखी कि नहीं देखी, भट्ट जी और हमारे जो बहुत बड़े चिपको के गायक थे घनश्याम सेलानी, उनको एक ही हथगड़ी से बांधा गया। अभी वो चित्र को देखते हुए बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक ही हथकड़ी में उन दोनों को फिर जेल ले जाया गया था, बहुत सारे लोग और गिरफ्तार हुए थे। और फिर उसके बाद एक आंशिक शराबबंदी हुई थी, और कुछ सौभाग्य से ऐसा था कि उसमें एक महिला उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री थी और वो बहुत संवेदनशील थी, सरला बहन भी बहुत एक्टिव थी, तो कुछ चीज़ें निकली उस। लेकिन बन के इशू को आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने एड्रेस नहीं किया। 59 में एक बहुत बड़ी कमेटी बनी, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। फिर 62 की लड़ाई होगी, फिर 65 की लड़ाई होगी, फिर 71 की लड़ाई होगी, तो लड़ाइयों के बहाने में एक तरीके से टालो और राज करो जो आज़ादी के बाद बहुत बार हुआ ऐसा, वो दौर उस दौर में चला। लेकिन इसी बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, वो घटना थी 1970 में अलकनंदा की बाढ़ का आना।
अलकनंदा की जो बाढ़ थी वो अपने आप में एक ऐसी बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना थी जिसको पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि पहली बार जंगलों के कटान का रिश्ता उन लैंडस्लाइड से और उस धरती की मोबिलिटी से जुड़ा जिसने अलकनंदा को फ्लड के लायक बना दिया, या ये कहें कि जिसने गौना ताल को टूटने लायक बना दिया। इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग हुई है, भट्ट जी ने खुद इस पर बहुत लिखा है। तो इस बाढ़ ने पहली बार उनके मन में, उनके साथियों के मन में ये बात रखी कि किस तरीके का रिश्ता इस भूगोल का इन जंगलों से है और इन जंगलों का आगे की विकास प्रक्रिया से और जो भी हम आगे को करने जा रहे हैं उसके मिजाज को कैसा बनाएंगे, वो इनको देखते हुए यहाँ के भूगर्भ, यहाँ के भूगोल और यहाँ के वनस्पतियों को देख के तय करना है। और उसके बाद धीरे धीरे वनों की तरफ रुझान गया। उस समय एक फॉरेस्ट कोऑपरेटिव भी गोपेश्वर में चलती थी और 72 तक आते आते वन आंदोलन की एक रचना प्रक्रिया बन गई जब साइमन कमीशन को पहली बार ठेका दिया गया। चिपको शब्द कैसे आया एक लंबी कहानी है और भट्ट जी ने खुद अपने मेमोर्स लिखे हैं, मुझे लगता है कि एक दो साल के भीतर वो आएंगे और कुछ और हमारे साथियों ने किताबें अध्ययन जो लिखे हैं उसके माध्यम से वो आएंगे, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक दिन खुद दसौली ग्राम स्वराज मंडल के कैंपस में टिके हुए थे साइमन कंपनी के लोग, क्योंकि उन दिनों गोपेश्वर में कोई और रहने की व्यवस्था नहीं थी और वहीं आंदोलन की तैयारी भी हो रही थी। वहीं चिपको शब्द का पहली बार एक तरीके से जन्म हुआ कि हम पेड़ों को अपनी बाहों में भर लेंगे और उस तरीके से उसको बचा लेंगे जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है या कोई भी अपने किसी प्रिय को बचाता है, ऐसे हम अपने पेड़ों को बचा लेंगे। और उसके बाद फिर मंडल तक ये प्रक्रिया गई जहाँ उस संस्था ने सड़क बनाई थी, वही समझिए कि उसके पुराने पिलग्रिम रूट से मंडल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मंडल में भी कटान नहीं हो सका। फिर फाटा जो केदारनाथ के रास्ते में है वहाँ भी कटान नहीं हो सका और उसके अगले साल एक बहुत ही सीमांती इलाके में जहाँ जनजाति रहती हैं, जहाँ सरकार ज़्यादा संवेदनशील तरीके से देखती है और जिसको डबल बॉर्डर एक तरीके से उस ज़माने में घोषित रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया था, वहाँ के लिए परमिट की व्यवस्था होती थी, उस रैणी में जहाँ गौरा देवी का इमरजेंसी हुआ वहाँ चिपको आंदोलन हो गया। ये 74 की मार्च अप्रैल की बात हो रही है और उसके बाद चिपको की बहुत चर्चा हुई, लेकिन जितनी चर्चा हुई उतनी गहराई में फिर भीतर से जाने की कोशिश बहुत कम बार हुई, क्योंकि रैणी तक पहुंचने के लिए जो होमवर्क वहाँ के लोगों ने किया था दसौली ग्राम स्वराज संघ के नेतृत्व में और साथियों के नेतृत्व में, उसकी रचना प्रक्रिया को अभी और गहराई से पकड़ने की ज़रूरत है और वो सब दस्तावेज आपके यहाँ अभी आए हुए हैं और नए लोगों में से कुछ लोग आगे को करेंगे। चिपको की दास्तान को अगर छोड़ दें इसके बाद जरा सी देर के लिए, तो इमरजेंसी का आगमन होता है 75 में। तो 75 से 77 तक इमरजेंसी के दौर में चिपको की कोई बहुत बड़ी अभिव्यक्ति नहीं हुई, लेकिन दसौरी ग्राम स्वराज संघ के अपने पर्यावरण शिविर और लोगों के बीच के कार्यकलाप पूरी तरीके से चलते रहे। खुद सर्वोदय का परिवार दो भागों में बटा हुआ था कि वो जेपी की पक्ष में जाएँ कि वो विनोबा के पक्ष में जाएँ, क्योंकि विनोबा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, जेपी दूसरे तरीके का रख रहे थे, लेकिन बहुतों के मन में बेचैनी थी, जेपी को पक्ष समर्थन करने की थी और चिपको आंदोलन के भीतर बहुत सारे ऐसे युवा लोग थे जिनका एक टिल्ट, एक ओरिएंटेशन जो है जेपी की तरफ था। लेकिन धीरे धीरे फिर ये दो साल भी निकल गए। अभी तो इमरजेंसी का बहुत बड़ा हम आतंक करते हैं, कभी कभी ये लगता है कि जो अघोषित है वो इमरजेंसी से किस मायने में अलग है, ये आपके लिए विचारणीय है। लेकिन जब मैं 77 में आता हूँ तो 77 में फिर चिपको की नई लहरें आती हैं। जनता पार्टी से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन जनता पार्टी की पूरी उम्मीदें फेल हो गई। उसके बाद फिर प्रतिरोधों का सिलसिला चला, गोपेश्वर में बहुत जगह प्रोटेस्ट हुई, अल्मोड़ी में प्रोटेस्ट हुई, फिर यहाँ आपके टिहरी ज़िले में प्रोटेस्ट हुई और ये सिलसिला इस तरीके से चला कि यहाँ चाचरीधार में आंदोलन हो रहा है, अल्मोड़ा जिले के नैनीताल में लीलामी स्थगित हो रही है, फिर भीड़ार में फूलों की घाटी में आंदोलन चला जा रहा है, फिर उसके बाद डोंगरी पैंतोली में जो सबसे दूरस्थ दुर्गम गांव है वहां चला जा रहा है आंदोलन, फिर बछोर में आ रहा है, फिर नंदासैन में जा रहा है और उधर जो है आपके टिहरी ज़िले में कुछ जगहों में आंदोलन चल रहा है, जैसे कि अद्वाणी में, जैसे बडियारगढ़ में, फिर अल्मोड़ा में जनूठी पालड़ी में आंदोलन चल रहा है, ध्याड़ी में आंदोलन चल रहा है, फिर आपके वहाँ दूधातोली क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का सिलसिला पूरा का पूरा आगे को चलता गया। और फाइनली 1980 में तीन बड़े निर्णय हुए। एक निर्णय तो ये हुआ कि फॉरेस्ट एक्ट 1980 का आगमन हुआ जिसने बड़ी कैटेगोरिकल ये कहा कि नो फॉरेस्ट लैंड विल बी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, साफ साफ कहा, एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि अभी भी हम 1927 का फॉरेस्ट एक्ट ढो रहे हैं। हम एक आज़ाद देश में एक आज़ाद देश के अनुकूल फॉरेस्ट एक्ट अभी तक नहीं बना पाए हैं।
ठीक है कि बहुत सारे और एक्ट आ गए। दूसरा निर्णय 1980 में ये हुआ कि 1000 मीटर से ऊपर हरे वृक्षों के कटान पर रोक लगी, जो अपने आप में असाधारण निर्णय था। ये दुर्भाग्य से ये और जगह लागू नहीं हो सकता था, जहाँ ये ऊंचाई होगी वहीं ये लागू होगा, एक ही पर्वतों में लागू होगा। और तीसरा एक बड़ा निर्णय था जिसकी कम चर्चा होती है, वो ये था कि स्टार पेपर मिल को जो 20 साल के लिए पाइन फॉरेस्ट दे दिए गए हैं, उनकी लीलामी, उनकी ऑक्शन, उनका दिया जाना रोक दिया गया। ये तीन बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुए और एक तरीके से चिपको आंदोलन का जो बहुत बड़ा विजिबल और एक तरीके से जो बाहर से दिखने वाला एजेंडा था वो इससे बड़ी सीमा तक पूरा हुआ था। लेकिन चिपको की बहुत सारी और चीज़ें थी, वो सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं था, वो एक पूरी विरासत को, एक समाज सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए और बचाए रखने की बात भी थी। इकोलॉजी का चिप्पा तो जरा बाद में लगा, तो पहले जो भी हमारा जीवन दर्शन जंगल के साथ था उसमें इकोलॉजी निहित थी। उसमें इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में, इकोलॉजी में कोई उस तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग फ़र्क नहीं था, जो कि बाद में 1977 के बाद बना दिया गया। आप लोग जब चिपको की हिस्ट्री और बहुत सारी किताबें देखेंगे तो आपको लगेगा कि सडन एक 1977 में टर्न आया, और उसमें जैसे वंदना शिवा की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, उन्होंने सडन ये कहना शुरू किया कि ये इकोनॉमिक युग ख़त्म हो गया, अब इकोलॉजिकल युग चिपको का शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही चिपको में आर्थिक आधार जितना महत्वपूर्ण था उतना ही आधार पारिस्थितिक था। आप जंगल को इसलिए बचा रहे थे क्योंकि आपका जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। अगर आपने अपने जीवन को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो आपने अपने परिवेश को बचाना है, और बहुत फ्रेजाइल परिवेश है। और हिमालय जो है वो प्लानिंग कमीशन या प्रधानमंत्रियों की कदर नहीं करता है, वो अपना मनमानापन करता है, और वो इतना नया है, इतना फ्रेजाइल है, इतना संवेदनशील है कि हम दिल्ली से उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। कि कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ जाए और कहे कि गुफा यहाँ बनाओ, लेकिन फिर ये मान ले कि भूकंप मेरा कहना मान लेगा, लैंडस्लाइड मेरा कहना मान लेगा, ये संभव नहीं है। तो फिलहाल इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों गहन रूप से अंतर संबंधित थे। ये बार बार चिपको आंदोलन के माध्यम से प्रकट हुआ। लेकिन 77 में जो इस तरीके का विभाजन शुरू किया, वो विभाजन ने अंततः चिपको आंदोलन को भी एक तरीके की क्षति पहुँचाई। लेकिन ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ उसकी चर्चा करें। आगे बढ़ें तो चिपको को छोड़ तो नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चिपको हम सबको बना रहा है, और बहुत सारे लोग चिपको को बना रहे हैं, लेकिन चिपको आंदोलन फिर बहुत सारे और लोगों को बना रहा है। कैसे ये सामाजिक प्रक्रिया चलती है वो उसमें आप देख सकते हैं। अब जिस दौर में भट्ट जी ने गोपेश्वर में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उस दौर में सर्वोदय एक महत्वपूर्ण घटक था, जिन्होंने सामाजिक आंदोलनों का एक दौर दौरा वहाँ शुरू किया था। उसके अलावा पूरे उत्तराखंड में एक पहचान उत्तराखंड की बनाई थी, जो बाद में राज्य के लिए भी एक तरीके से उपयोगी रही। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी वहाँ सक्रिय थे, कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत बहुत सक्रिय थे, बहुत संवेदनशील थे और बहुत सारे इश्यूज को बहुत गहराई से देखते थे। कांग्रेस में एक ये बात भी उस दौर में थी कि स्वतंत्रता संग्राम से आए हुए लोग थे अभी, तो उनके भीतर अभी वो पुराना आइडियलिज्म और पुराना कमिटमेंट जो था वो बड़ी सीमा तक बचा हुआ था, और बहुत सारे लोगों का तो अंत तक भी बचा रहा। समाजवादी बहुत सारे लोग थे, बिगड़ैल कांग्रेसी कह सकते हैं आप उनको, लोहिया से प्रभावित हैं, जेपी से प्रभावित हैं, किसी और से प्रभावित हैं। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो आंदोलनों ने ही जिनको विकसित किया था, और विकसित होने के बाद जिन्होंने फिर अपने ऑप्शन रखे थे कि मैं सर्वोदय में जाऊँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता बनूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊँ आदि आदि। तो भट्ट जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने बहुत सारे परस्पर विरोधी लोग जो आपस में संवाद नहीं कर सकते थे उनको पहली बार साथ लाने में कामयाबी प्राप्त की, जिसमें टिहरी में कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसमें अल्मोड़ा में भी बड़ी सीमा तक कामयाबी नहीं हुई, उसमें गोपेश्वर में प्राप्त हुई। इसलिए आप गोपेश्वर में देखते हैं कि गोविंद सिंह रावत कम्युनिस्ट पार्टी के जो व्यक्ति थे वो उनके लेफ्टिनेंट बने, इसलिए उन पर लाल हो जाने का आरोप भी लगा। हालांकि लाल हो जाना कोई बुरा नहीं है, वो सर पीले होने से लाल होना अच्छा होगा होता होगा, लेकिन फिलहाल दुष्प्रचार के लिए सर्वोदय परिवार में भी एक तरीके से बहुत बड़ा हुआ। लेकिन आप बुनियादी रूप देखेंगे तो चिपको का वही एजेंडा चल रहा है जो शुरू से चल रहा है। तो उन्होंने इस सब को संतुलित किया, युवाओं को सबसे ज़्यादा अपने साथ लाए, महिलाओं को पहली बार ये बताया कि तुम्हारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ पीछे से आने की नहीं है, तुम्हारी दोनों लेवल पर निर्माण की, नवनिर्माण की तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रामीणों को बहुत बड़ी सीमा तक लाए। बाद में हम देखेंगे कि जो सिविल सर्वेंट भट्ट जी को या चिपको आंदोलन को बहुत हकारत की नज़र से देखते थे, वही वहाँ के कैंपों में आने लगे। उनकी अर्जियाँ आने लगी मैं कैंप में आना चाहता हूँ, और बहुत सारे अकेडमी पता चला कि बाद के सालों में तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी के पूरे की पूरी टोलियाँ जो हैं पर्यावरण शिविर में आने लगी, दीक्षित होने लगी, समझने लगी चीज़ों को, और वो बाद तक भी अपनी नौकरी के दौर में भी उस संवेदनशीलता को बनाए रख सके। फिर
फिर लंबी कहानी है जिसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में बहुत बार ये बातें आई कि उन्होंने पहली बार सर्वोदय के भीतर रहते हुए ये महसूस किया कि जब आप एक सामाजिक आंदोलन चला रहे हो तो आप एक सर्वोदय का आंदोलन नहीं चला रहे हो, एक बड़ा सामाजिक आंदोलन चला रहे हो, तो ज़्यादा लोगों को उसमें एकोमोडेट करना जो है उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, वो उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक किया। और बिल्कुल जिसको कहेंगे कि जो आपस में परस्पर विरोधी एलिमेंट थे सोसाइटी के, उनको एक उसके नीचे कन्विंस करके लाने में वो कामयाब रहे। दूसरा बड़ा रोल उनका ये रहा कि युवाओं और महिलाओं का तो मैंने बताया, दलितों को सबसे आगे लाए। ये सर्वोदय का और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान था। हमारे यहाँ पहली बार उन्होंने दलितों को मंदिर प्रवेश की लड़ाई लड़ी। सर्वोदय के जितने हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने लगभग अपने अपने इलाकों में बहुत मार खाई, क्योंकि शुरू में मंदिर में दलितों को ले जाने में सवर्णों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद उसमें उनको कामयाबी प्राप्त की। हमारे इलाके में तो डोला पालकी जैसा आंदोलन भी बरसों तक चला था, जो एक अलग कहानी है। तीसरी जो बड़ी बात इधर से निकलती है वो ये निकलती है कि चिपको में एक गहरा लोकतंत्र हमने पनपता हुआ है। हम लोग उस जमाने से, 74 के ज़माने से भटजी से बहुत गर्म बहस कर सकते थे, और वो पूरा जब हमें कन्विंस कर देते थे तब जाके फिर हम अगला स्टेप पर होते। तो ये जनतंत्र चिपको की एक बड़ी विशेषता थी। पर्यावरण शिविरों में भी इस तरीके की पूरी बहस चलती थी। और दूसरा एक ये था कि एक ज़बरदस्त तरीके का विकेंद्रीकरण था चिपको के भीतर, कि आप अपने अपने इलाके में अपने अपने तरीके से अपने आंदोलन को विकसित कर रहे हैं वहाँ की स्थिति देख। बल्कि 77, 78, 79, 80 में उत्तराखंड में बहुत बार ये लगता था कि जैसे एक छापामार युद्ध चल रहा हो, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार हर जगह पुलिस और पीएसी भेज देती थी, कहीं कोई वायलेंस नहीं थी, लेकिन वो अपनी स्टेट वायलेंस से आपको डराना चाहते थे। लेकिन फाइनली फिर 1980 तक तो मैंने बताया कि ये बहुत सारे नतीजे निकले। तो ये जो विकेंद्रीकरण और ये जनतंत्र था, ये उसकी बड़ी विशेषता थी। जाति धर्म और संप्रदाय जो है इसका निषेध एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से था। आप देखिए कि भटजी को संयोग उन्होंने अप्लाई तो नहीं किया था, लेकिन वो सरोला ब्राह्मणों के घर में पैदा हुए, जो गढ़वाल के बहुत बड़े ब्राह्मण माने जाते थे। उनके कैंप में आप देखेंगे कि दलित रसोई में बैठा हुआ है, खाना पका रहा है, और ये जो सदियों तक जो सरोला जो है हिकारत से औरों को देख रहे थे, वो बेचारे चुपचाप दाल भात खा रहे हैं वहाँ। तो ये चेंज जो परिवर्तन जो है, ये एक इस चिपको आंदोलन की अकेली ऐसी उपलब्धि कही जा सकती है जो छोटी नहीं है, जो उस अर्थों में पेड़ बचाने से कम नहीं है। इसी तरीके से जो सादगी और स्पष्टवादिता हमें भटजी में दिखती रही है, वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। मैं अपने गपशप के अंत की तरफ जाता हूँ। भटजी की कुछ किताबें उपलब्ध हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी कुछ। बाद में ये हुआ कि जब चिपको में अंग्रेजी में छपने लगी तो भटजी की किताबें भी संयोग से अंग्रेजी में आ गई। सब चीज़ें ऐसा लगा कि यूरोप के लिए और बड़े एकेडमिक्स के लिए ही अब हो रहा है, लोगों के लिए नहीं हो रहा है। तो उसमें भटजी की एक दो किताबें अंग्रेजी में भी आई, लेकिन उनके जो संस्मरण हैं जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापे थे, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती, और उससे पहले एक उनका उपन्यास है जो उन्होंने किसी हिंदी का साहित्यकार बन जाने के लिए नहीं लिखा, लेकिन जो एक चिपको का दस्तावेज है, प्रतिकार के अंकुर, उसको देख के आप एक बड़ी सीमा तक उनको और उनके साथियों के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं कि वो कैसे बन रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, और कैसे वो अपने समाज के लिए निर्णय ले रहे हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। जो सामूहिकता का जो मिजाज है भटजी में, वो ज़बरदस्त तरीके से है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया की कोई किताब इतने लोगों को समर्पित नहीं होगी जितनी पर्वत पर्वत बस्ती है। मैंने परसों आने से पहले वो किताब तो नहीं मिली, मैंने फिर कल रास्ते से मैंने फ़ोन किया अपने एक दोस्त को कि वो भटजी की वो किताब खोलो और पेज नंबर 3 में समर्पण है। तो उसने जब काउंट करके दिया तो द बुक वॉज डेडिकेटेड टू 64 कलीग्स। 64 लोगों को वो किताब समर्पित है। एनबीटी वाले परेशान हो गए होंगे कि ये कौन कौन लोग हैं। उसमें तरह तरह की हस्तियाँ हैं, वो सब दिवंगत हो गई हैं, जो एकेडमिक्स थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो उनके सहयोगी थे, जो उनके आंदोलनों में हिस्सेदार रहे। उन 64 लोगों को उन्होंने समर्पित किया है, और इन 64 लोगों को समर्पित की गई किताब की उस भावना से आप समझ सकते हैं कि एक सबको जोड़ने की जो बेचैनी है उसमें वो कितना सफल हुए नहीं हुए, वो आप लोगों के अध्ययन का विषय है, वो उनमें सदा सदा से रही है। जो अंतिम बात मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ी सीमा तक सामाजिक आंदोलनों का इतिहास निर्मित किया है, लेकिन वो इतिहास के प्रति इस अर्थ में बहुत सावधान है कि उन्होंने दस्तावेजों को पूरी तरीके से इंटैक्ट रखा है। मुझे चिपको आंदोलन के अध्ययन के दौर में उनके दस्तावेजों से गुजरने का मौका मिला, जो अब आपके खजाने में आ गए हैं। तो उन्होंने हर चीज़ इतने सुरक्षित तरीके से रखी है
कि जब प्रतिवेदन भी जाता था और जसोली ग्राम स्वराज मंडल का या चिपको आंदोलन का कोई व्यक्ति लखनऊ जाता था, दिल्ली जाता था, लेकिन आप उनकी फाइल देखेंगे तो उसमें 150-200 दस्तखत होंगे, और उस ज़माने में तो ये भी था, अंगूठे भी होते थे, और उसके नीचे बकलम रेवाधर त्रिपाठी और जोरावर सिंह फलाना वो नाम लिखे होते थे। तो ये जो दस्तावेजों को रखने का विचार उनको पता नहीं कहाँ से आया, जो हम इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं आया, जो आधुनिक विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं, वह उनमें आया और वह सब खजाना आपके पास आया है। तो इतिहास बनाने के अलावा इतिहास के लिए जो सामान है, ताकि डिस्टॉर्ट न हो, ताकि वो बेमानी आप इतिहास के साथ न कर सकें, उसके लिए उन्होंने उन साधनों को भी बहुत अच्छे तरीके से छोड़ा। उनका फ़ोटो का कलेक्शन भी, पता नहीं आपकी नज़र है कि नहीं, उनके पास फ़ोटो का भी असाधारण कलेक्शन है जो उन्होंने रखा है। सबसे अंत में मेरे मन में ये बात आती है कि इतनी तरीके के लोग क्यों उनके प्रति आकर्षित हुए हों। आप देखेंगे कि MS स्वामीनाथन उनको बहुत, अनिल अग्रवाल उनके बहुत प्रेमी थे। अगर उन पत्रों को आप देखेंगे जो अनिल अग्रवाल ने उनको लिखे, तो असहमतियाँ भी हो गई। एक बार गलती से उन्होंने ये लिख दिया कि हिमालय के जंगलों का हिमालय के लैंडस्लाइड से कोई रिश्ता नहीं है, और बिल्कुल इतनी असहमत हुई कि भट्ट जी उन दिनों CSE के चेयरमैन थे, रिजाइन। लेकिन उसकी भी संकट ये था कि मैं क्या करूँ, मेरे वैज्ञानिक यही ढूंढ के लाए हैं। डाउन टू अर्थ में जो रिपोर्ट लिखी मित्रा की, उसमें असहमत हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एडिटर की हैसियत से कुछ नहीं कर सकता हूँ, बहुत माफ़ी का पत्र, बहुत मार्मिक पत्र उन्होंने लिखा है। लेकिन अनिल खुद कहता है कि मेरे इतने बड़े रूपांतरण के पीछे चिपको के कैंपों में जाना, भट्ट जी से मिलना वगैरह वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने भट्ट जी का प्रभाव पाया, भट्ट जी से बहस की, और बहुत सारी चीज़ों में असहमत के बावजूद चीज़ों को, विचार को और विश्लेषण को आगे बढ़ाने में एक तरीके से योगदान दिया। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और आप सबका आभार जताता हूँ कि आपने एक अच्छी शुरुआत की। शेखर दा, बहुत दिन बाद आपकी व्याख्या सुनने का मौका मिल रहा है। मैं आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट हिम विच ही इज टू मॉडेस्ट टू टेल। ही हैज बीन ऑन कैलाश मानसरोवर यात्रा थ्राइस। ही वॉज in 90s, and he has also done something remarkable with three colleagues, which very few people in India have studied, and I hope he'll come and speak. In their 20s, they undertook a trek from Askot to Arakot, from the Himachal border to Nepal border. There were four young activists, and he has done that same trek four times in four decades, stopping in villages, investigating the issues and problems, and kept a record and written about it. So I'm sure this is going to be one of his first visits. तो 3 बार 4 बार 10 बार आप आएँ और हमारे साथ अपने बारे में भी बतलाएं, और इसके बारे में, क्योंकि ज़रूरी ये है कि इन दिस एटमोसफियर ऑफ यूनिवर्सिटी वी नीड ऑल्सो टू ऑनर पीपल हु आर नॉट ओनली क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज बट हु आर कम्युनिकेटिंग इट एंड हैव रूट्स इन सोसाइटी। देर इज अ टर्म ऑफ ग्राम्स्की विच इज़ वेरी फैशनेबल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, एंड देर आर इंडियंस हु आई थिंक विल कन्फॉर्म टू दैट। वन थिंक्स ऑफ शिवराम कारंत, बीवी कारंत, Rabindranath Tagore, Shekhar Da. There is a famous quote of Rabindranath Tagore, which was very beloved of Gandhiji, ki andhere ko 100 baar kosne se behtar ye hai ki hum ek diya jalaye. To light one lamp is better than curse the darkness 100 times. And I think you'll all agree that in writing of Indian history, taking it beyond heroes, heroines, to bring sticks, stones, oaks, rhododendrons, forests and mountains, Professor Ram Guha's is definitely a very significant figure. He has been a great friend of Ashoka. Most of all, I want to acknowledge in helping us to build what is still a very small archive. So, Professor Guha. Thank you, Mahesh. I'm going to speak in English. I have various legitimate excuses for speaking in English. I live far away from the Hindi heartland. I dare not speak in Hindi after Shekhar Pathak. But I'm going to use three Hindi words to try and encapsulate Chandi Prasad Bhatt's career. And those three words are Sangharsh, Nirman, or Vigyan. Sangharsh, Nirman, or Vigyan. To begin with, Sangharsh, which is struggle. The Chipko movement, which Chandi Prasad Bhatt pioneered,
transformed global environmentalism. Till CIPCO, environmental concerns were regarded as the privilege of rich, affluent, overdeveloped societies. And it's the movement pioneered by Bhatji and his colleagues, 64 or 640 or 6,400, which redefined environmentalism as something connected to livelihood and, of course, sustainable development. And the struggles were innovative. They were, you could say, a reinvention of Gandhism for our times. You know, there's a great book to be written about the disappearance of Gandhism after Gandhi. The 1950s were a barren decade in terms of the creative interpretation of Gandhi's ideas in India. There are various reasons for this. But Gandhism was reinvented in an original and imaginative way, in my view, in the 1970s by two individuals coincidentally named Bhatt. One is Chandi Prasad Ji, and the other is Ela Bhatt of Ahmedabad, unrelated. A Gadwali Bhatt and a Gujarati Bhatt, a man and a woman, you know, an organic intellectual who, from a poor family of priests, an educated lawyer. But it's really from the 1970s that Gandhism is reinvented. And in Bhatji's life, you have these three aspects of Gandhism: Sangharsh, Nirman, and Vigyan. Struggle, reconstruction, and science united in a very special, in my view, unique way. The struggle Shekhar has talked about. Now, one of the most remarkable things about Bhatji's career as a social worker, social activist, is he started as a social worker, became a social activist, and then became a social worker again. And after the first popular movements to stem deforestation, Chandi Prasad Ji took a step back and said, we've got a ban on green felling in the Himalaya. Now, what do? We don't sit back and go back to our ashrams. We revegetate the barren hillsides. And he organized for several decades the revegetation of eroded, degraded parts of the Gadwal Himalaya, extraordinarily successfully. There was a study by the Indian Institute of Science done many years ago, which compared the plantations run by the Dasholi Gram Swaraj Mandal with plantations run by the Forest Department. The survival rates in the Forest Department plantations were 10 to 15%. In their plantations and camps, they were 85 to 90%. So that's the second phase, which is construction. And then there is Vigyan. Shekhar has already talked about, you know, M.S. Swaminathan, Anil Agarwal, but many others. Madhav Gadgil, India's finest ecologist, had his life transformed with a visit to the Dasholi Gram Swaraj Mandal camp. Other people too. And if you read Bhatji's writings, you will see, an approach to science, which is very reminiscent of Gandhi. You know, Gandhi has been represented in some circles as anti-science, anti-modern, anti-civilization. And in my view, that's a profound misreading of Gandhi's work. It deals with the fact that most people take Hind Swaraj as representing Gandhi's considered economic and political philosophy. But Hind Swaraj was written before Gandhi knew India, before Gandhi had spoken to a mazdoor or a kisan. And it's a massively overrated work. And if you want to understand Gandhi and Gandhi's views on science, development, environment, social organization, you have to look at what he wrote in the 20s and 30s and 40s, and you will see an approach to science which is not anti-science, which is not anti-modern, anti-technology. It merely asks scientists to devote their research and their lives to the lives of ordinary Indians. And that is what Chandi Prasad Bhatt has done in his work, you know, not just in his work in forestry, but in his promotion of, for example, alternate technologies, such as biogas plants. A wonderful critique of large dams, one of the best critiques of large dams, is his book, also in English, published by Shekhar Pathak, called, I think, The Future of Large Forest Projects in the Himalaya, which should be read still, because there's a craze for large projects all across the Himalaya. And Chandi Prasad Ji's book is a very careful, considered argument as to why we should reconsider large projects in the Himalaya. So there are these three aspects of this work which I think make it, in my view, unique. Not just distinctive, but unique. I mean, when the history of Gandhiism post-Gandhi will be written,
I think Chandi Prasad's combination of Sangharsh, Nirman and Vigyan will play a very special role. Now, Shekhar has spoken a little bit about his influence on people. And I think I'd like to say a little more on that. You know, he transformed Shekhar's life. He transformed my life. I went in 1981 to see him. I took a bus to Gopeshwar. Among other things, he cured me of my Marxism. He only cured Shekhar partly of his Marxism. And I'm happy that there's still a little bit of the Marxist left in Shekhar. But he cured me of my Marxism. Of course, I wrote a book in which he was a major figure. But the number of people he has transformed through his example, through his work, through his courage, through his vision, through his extraordinary integrity. I'll give you one example of this. I wrote, I first went in 1981 to Gopeshwar. 20 years after that, I met him in Mussoorie at the IAS Academy, where Bhatji and I were invited. I'm no longer invited there. I hope at least Bhatji has, they call him from time to time. But in 2001, I happened to be, this was actually a very lovely occasion. It was an annual lecture for a forest officer who had been killed in the search for Veerappan called Srinivasan. And Chandi Prasadji and I had been called to speak. And in the evening at the guest house, I got him to chat about his life. And, it's quite extra. Shekhar has told you a little bit about, his early years. And after that meeting in 2001, I wrote an essay in The Hindu about Chandi Prasadji. And I got this letter from someone I had never met. And I'm going to read you this letter to give you a sense of the kind of transformative impact this extraordinary individual has had. So I wrote this piece in The Hindu on Chandi Prasadji in 2001 or 2002. And I got this letter from a man called P. Sivarama Krishnan in Andhra. He said, I read your coverage on Shri Chandi Prasad Bhatt. Shri Bhatt visited our place in the tribal area in East Godavari district of Andhra Pradesh in 1987 to find out the reasons for the severe flood of the river Godavari. I had started an NGO, this is Sivarama Krishnan writing, after completing my PhD, a common friend brought Bhatji to me. He taught for 7 days and his report came out in Jansatta under the title Godavari ke god mein ab toot kar girenge pahad. His visit inspired me to take a different course of action, litigation to check the deforestation, since the hold of Naxalites was intense in these areas. We were able to check state-sponsored deforestation by forcing the closure of a plywood factory. On my request, Bhatji visited our place again when our tribal district was devastated by the cyclone in the summer of 1990. So far, I could not go to Bhatji's place. Though the interaction with him is very brief, the insight and impetus he gave me is everlasting and unfolded a new era in the history of resource management in the tribal areas of Andhra Pradesh. I hope you will cover such efforts of Shri Bhatt in outreaching to other areas and his other facets of constructive work. Shekhar said that Chandi Prasadji is writing his memoirs. Ashoka history student one day will write a biography of Chandi Prasad Bhatt, covering all the aspects of his work and his influence. But I'm going to end by returning him to his origins. You know, I talked about how he is the embodiment of a reinvented contemporary Gandhism. In my view, arguably no Indian since Gandhi has interpreted Gandhi so imaginatively and constructively for our times. But he comes from a place called Gadwal. And I know there are people in Ashoka from all across India. So I should say a little bit about Gadwal. Gadwal is one of two major cultural regions in Uttarakhand. The state of Uttarakhand, created in part because of the struggles in which Shekhar, by the way, Shekhar Pathak has also been to jail. And there must be some photograph somewhere of his being handcuffed people in the Uttarakhand movement. But Uttarakhand is composed of Gadwal and Kumaon. These were the two territories into which it was divided in the British period. These were the two territories which had distinct medieval kingdoms. And there's a famous rivalry between them. One of Chandi Prasad Bhatt's incidental achievements is that
a Kumauni, a Garhwali has a Kumauni as his most creative interpreter, Shekhar Pathak. Because they are bitter opponents and rivals. They fought battles. And I had a Kumauni friend growing up who used to every year celebrate a festival, kya naam hai Shekhar? Kathalwa. Which, where the effigy of the Garhwali king is burnt. Okay. And in the period of modern India, that is from the 19th century onwards, Kumau has been unquestionably in advance of Garhwal. So it's produced the greater politicians like Govind Ballabh Pant, the greater writers like Sumitra Nandan Pant, the greater civil servants like B.D. Pandey and so on. So that, and it, through a long, at least when I was growing up in Dehradun, Kumaunis had an ineffable sense of superiority over Garhwalis. Now that has changed. And it is changing today because three of the five most influential Indians are Garhwalis. Maybe three out of five, 10 most, but three, five. The Chief Minister of Uttar Pradesh, our largest state, is a Garhwali. Our National Security Advisor is a Garhwali. Our Chief of Army Staff is a Garhwali. Now, the fact that three of the five most important posts in India, influential posts, powerful posts in India today, are occupied by Garhwalis is giving Garhwalis a false sense of superiority. And when I consider where Garhwal is today, and the fact that these three Garhwalis occupy these very powerful and influential posts, and I juxtapose those three currently famous and powerful Garhwalis to the great Chandi Prasad Bhatt, I'd like to say the lesson is power is temporary, greatness is permanent. Thank you. Thank you. मैं चंदी प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कुछ मार्गदर्शन करें और हमें यह भी बतलाएं कि हमें अब क्या करना चाहिए और आज के हालात में क्योंकि युवा पीढ़ी के कई लोग हैं कि हम हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना कैसे करें सम्माननीय प्रोफेसर मेहता जी प्रोफेसर राम गुहा जी महेश राम राजन जी जय राम रमेश जी शेखर पाठक जी विद्वत्जनों बहनों और भाइयों अशोका विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विद्या मंदिर में आने का और यहाँ पर मेरा जो सौभाग्य सम्मान किया गया उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का और मुख्य रूप से महेश रंगराजन जी का हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो विद्वज्जन हैं उनसे तो भेंट हो ही रही है लेकिन चिपको आंदोलन में जिनकी सक्रिय भूमिका रही और जिनके ज्ञान और अनुभवों का लाभ हमें समय समय पर मिला प्रोफेसर शेखर पाठक राम गुहा जी और किसी न किसी रूप में जयराम रमेश जी से भी हमें इस आंदोलन को और जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी पीठ थपथपाने का जो उन्होंने काम किया तो मुझे यहाँ पर जो ये अतिरिक्त लाभ मिला और पहले से मुझे मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कोई सम्मान का समारोह रखा गया है और यदि ये होता तो शायद मैं कुछ ताल बनाई कर देता वास्तव में जब हम लोग सामाजिक उसमें आए तो कई बार ये होता है कि जब व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो मैं पहले से ये सोचता था कि ये सुअर बिष्टा की तरह इसको मानना चाहिए मैं आपकी तरफ होता तो जब मेरा नाम आ रहा था तो मैं कान में अंगुली डाल देता था
लेकिन यहाँ पर बैठा हूँ इसलिए उंगलियाँ और प्रोफेसर पहले तो महेश रंगराजन जी ने और उससे पहले माननीय कुलपति जी ने और शेखर जी ने भी बार बार और राम गुहा जी ने तो बार बार जो नाम लिया तो बड़ा कष्ट होता है कई बार ये सब सुनने में क्योंकि हम आदि रहे व्यक्ति के बजाय विचार को यदि वो होता है तो वो अच्छी बात है। और चिपको आंदोलन में आपने कई बार कई नाम आते हैं और मुझे उससे बहुत प्रसन्नता होती है क्योंकि पीपुल्स प्रोग्राम और पीपुल्स पावर की सबसे बड़ी बात कई बार लोग कहते थे कि साहब कहाँ से शुरू हुआ तो हम कहते थे कि लोगों से। अब वो लोग मतलब आज ये बात है कि अलग अलग जगह जैसे जिनको हमने कभी देखा भी नहीं तो वो भी चिपको आंदोलन के जन्म जाता है तो इससे मुझे कहीं कष्ट नहीं होता है बल्कि प्रसन्नता होती है। सिर्फ इसमें कष्ट वहाँ पर होता है कि यदि किसी विद्यार्थी को किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि अमुक जगह या ये आंदोलन किसने वो किया और जो परीक्षक है उसको सही जानकारी है और आपने जो इधर उधर के पेपरों से पढ़ कर के उत्तर दे दिया तो उस विद्यार्थी का दोष नहीं है क्योंकि उसने गलत लेख पढ़ा। तो पर मुझे इसलिए खुशी है कि पीपुल्स पावर पीपुल्स मूवमेंट माने हर लोग कहें कि मैंने चलाया और हमारी पहले से पद्धति यही रही कि इसमें पता न चले एक व्यक्ति नहीं क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर हो जाता है तो विचार समाप्त तो हो जाता है तो इस दृष्टि लेकिन बाद में 5-10 वर्ष बाद हमारे कुछ मित्रों ने या पत्रकार बंधुओं ने हमको भी कह दिया कि ये भी चिपको वाले हैं। असल में आज से करीब 5 दशक पहले माने 1972-73 में मुख्य रूप से 73 में सामान्य गांव के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे जब पेड़ काटे जाने लगे तो उन्होंने सीधे और सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं कटना चाहिए क्योंकि आज तो हम उसके कई वो उदाहरण देते हैं लेकिन उन सामान्य गांव की बहनों ने कहा कि क्यों नहीं कटना। और जैसे अभी प्रोफेसर शेखर पाठक ने कहा कि हम अंगाठा मारना अंगाठा माने पेड़ को अपनी गोद में भर देना वही चिपको शब्द। तो जब ये शब्द वाली बात जैसे आजकल कोई आंदोलन होता है तो लोग इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी व्याकरण देखते हैं कि कौन सा शब्द ऐसा है जो सरकार को प्रभावित कर सके और लोगों को प्रभावित कर सके जिससे लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन इसमें जो चिपको शब्द था लोगों का वहाँ की जो अपनी भाषा थी अपनी बोली थी उन्होंने कोई वो देखा नहीं उन्होंने कहा कि हम पेड़ों पर अंगाठा मार देंगे माने अंग से भर देंगे वो गढ़ हमारा उत्तराखंडी शब्द है। और फिर उसी को बाद में क्योंकि जब हम जिस दिन ये शब्द पहले साइमन वालों के साथ कहा गया कि हम पेड़ों पर अंगाठा मार देंगे तो DM के पास जब हम पहला ज्ञापन लेकर के गए तो हमने कहा उनके साथ तो वो अंगाठा से उसकी और परिभाषा करके हमने कहा कि चिपको शब्द जो ज्ञापन दिया। और उस समय मैं उत्तर प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड का सदस्य था तो मैंने त्यागपत्र भी किया आपकी नीति ऐसी गड़बड़ हो रही है इसलिए मैं इससे और DM के पास गया तो हमने कहा कि हम चिपको आंदोलन चलाएंगे ऐसा। तो वो काफ़ी देर तक हंसने लगे तब तक तो चिपको शब्द कहीं था ही नहीं लेकिन उन्होंने जो हमारे पूर्व के कार्य हैं जिसके बारे में शेखर जी ने बताया चाहे वो शराबबंदी आंदोलन हो लोगों के ग्राम उद्योग की बात हो ये सब की उनको जानकारी थी और वो फिर गंभीर हुए। 5 बजे की बात है उन्होंने उसी समय वायरलेस किया उत्तर प्रदेश सरकार को और मुझे भी उसकी कॉपी दे दी और 3 दिन बाद वहाँ से टेलीग्राम आता है कि आप 11 अप्रैल 1973 को वन मंत्री से और वन सचिव से बात करने के लिए लखनऊ आइए। उस समय वन सचिव
लास्ट आई सी एस थे कोई प्रकाश कृष्ण। मैं 11 अप्रैल को गया वहाँ की पारिस्थितिकी बताने के लिए, तो वो बेचारे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने पहली बार देखी सिगार, और उनका जो पहनावा भी होता था वो दूसरे ढंग का, और वो सिगार पीते हुए मेरे मुंह पर वो कर रहे थे। 3 ICS थे, एक सतीश चंद्रा जी, प्रकाश कृष्ण, और एक मुकुल सन्याल के पिताजी बी डी सनवाल। ये 3 थे उत्तर प्रदेश में, इनके बाद ICS रहे। हमको बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा ठीक तो यार पेड़ कटना ही चाहिए ये सोच। तो उस समय हमने संकल्प कर दिया था कि अब हम लखनऊ के इन भवनों में नहीं आएंगे, इनकी हिम्मत है तो फिर हमारा मुकाबला जंगलों में करें। तो उसके बाद जो परिस्थिति बनी, जिसके बाद मैं आपने कहा कि मंडल फाटारामपुर, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी श्रीनगर गढ़वाल में आए, सारे सचिव आए, और जब ये बात आवरण पूरा फैल गया था कि लोग चिपको आंदोलन करेंगे पेड़ों को नहीं कर, और उन्होंने सारे MLA MP और मुझे भी श्रीनगर गढ़वाल में बुलाया और बात करने के लिए कि हम आपके इलाके में इस प्रकार का उद्योग लगाएंगे, जंगलात की ऐसी परिस्थिति करेंगे ये सारे। लेकिन उनका एक पत्र था जैसे कि जो लोग बैलों के कंधे के लिए जुआ बनाते हैं, कृषि यंत्र बनाते हैं, वो उनका पत्र था उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारे पास वन विभाग का, कि वन विज्ञान की दृष्टि से ये पेड़ आपको नहीं दिए जा सकेंगे। ये एक तरफ से जो इनसे डॉलर मिलेगा और देश की आर्थिकी बढ़ेगी, इसलिए आप चीड़ की लकड़ी से, चीड़ पर वजनदार होता है, वहाँ जो बैल के कंधे के जुए बनाते थे, योक जिसको कहते, वो लकड़ी ऐस होती थी, माने हल्की मुलायम, और बैल के कंधे में रखेंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन उनके पत्र में था कि चीड़ की लकड़ी भारी होती है और खुरदन इत्यादि, उसमें गोंद इत्यादि भी होता है, तो वो संभव ही नहीं था। तो लोगों ने कहा उस दिन उस मीटिंग में जो श्रीनगर गढ़वाल में, कि हमारा बैल भी हंसेगा, और सारे MPMLA थे वो सीटी मारने लगे, क्योंकि जैसे ही प्रकाश कृष्ण जी लोगों को समझाने के लिए उठे तो वो पत्र हमारे एक साथी ने, माने वो ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया, उसका प्रभाव सेम और प्रकाश कृष्ण जी को बोलने ही नहीं दिया, और उन्होंने सोचा कि ये सारा अब शांत हो गया है, सारे MLA MP गढ़वाल के, उन्होंने एक मीटिंग नैनीताल में रखी 3 दिन के लिए, एक मीटिंग श्रीनगर गढ़वाल। लेकिन उसके 4 दिन बाद फिर मंडल के जंगल में पेड़ काटने के लिए मजदूर आ गए वहाँ लोगों ने, तो उसके बाद फिर फाटारामपुर, रेणी इत्यादि जो बात हुई। लेकिन हम लोगों ने, जैसे रामचंद्र गुहा जी ने कहा कि निर्माण वाली एक्शन, हम कहते हैं कि एक और रचना और दूसरी और संघर्ष। हमने उसी दौर में, क्योंकि बात को समझाने के लिए चिपको सब तब तक वो नहीं था, हम केवल वन समस्या का समाधान करने के लिए, हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं जिसके कारण वन और लोग दूर होते जा रहे हैं, वनों का विनाश हो रहा है, हम चिट्ठी पत्री तो प्रदेश सरकार को देते रहे लेकिन वो समस्या लोगों को तक जानकारी नहीं थी। हम चाहते थे, क्योंकि वो सीमांत इलाका था और उसी दौर में आपका बंगाल, उत्तरी बंगाल में भी एक आंदोलन चल रहा था, हमको ये था कि यदि ठीक ढंग से जानकारी देश को नहीं हुई तो जो व्यवस्था है वो किसी भी प्रकार से दमन कर सकती है। तो मेरे मन में ये हुआ कि हमारी जो, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वनवासियों के साथ, उसकी जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। इत्तेफाक से यहाँ राजघाट अभी तो स्वर्ग के हो गए हैं अनुपम मिश्र जी, वो मिल गए और मैंने उनको सारी व्यथा कथा बताई, और वो उन्होंने तब दिनमान के रघुवीर सहाई जी संपादक थे, उनके पास ले गए, तो मैं तो चुपचाप, क्योंकि ठीक ढंग से हिंदी में बात करना भी उस दौर में नहीं आता, तो उन्होंने एकदम से जैसे ही हमारी कहानी सुनी कि किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम बद्री केदार एक अंक
निकालते हैं अनुपम को, तो अनुपम ने पूरी उसमें सहजीवन और सामरण के प्रयोग नाम का वो 19 नवंबर 1972 को निकाला। तब तक चिपको आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। जब दिनमान में, उस समय दिनमान हिंदी पत्रिका थी, काफ़ी प्रचलित थी, तो हम और इसी प्रकार एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एस सी काला जी थे, उनसे भी हमने निवेदन किया, तो उन्होंने लेटर टू एडिटर, कमलापति जी त्रिपाठी की सरकार थी, यद्यपि वो उनके मित्र थे, पर उन्होंने पहली बार लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कथनी और करणी में अंतर, और उससे कमलापति जी का उनके बीच में 36 का आंकड़ा हो गया था, जो पहले बिल्कुल मित्र जैसे थे। लेकिन हमको इन दो पत्रों से, प्रकाशन से ये हुआ कि देश का अब कुछ भी दमन सरकार करेगी तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये अन्याय हो रहा था और ये सरकार इसको वो करना। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद हमने, जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पौड़ी गढ़वाल में आए, तो हमारी बात रखने के लिए एक तरफ बीच में प्रधानमंत्री जी थे, एक तरफ केसी पंत और दूसरी तरफ हेमवती नंदन बहुगुणा। उस समय गढ़वाल विश्वविद्यालय का आंदोलन भी चल रहा था, तो उन तक भी बात पहुँचे। लेकिन ये सारे समस्या थी प्रदेश सरकार की। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना, ये पेड़ बचाने की बात है, ये तो ठीक है, लेकिन वो कुछ अंत में जैसे चिपको आंदोलन हुआ, आपने बताया, लेकिन इस आंदोलन के बारे में एक बात जो कहा कि रचना और संघर्ष वाली बात, उसका उस दो उसके बाद अलग अलग इलाकों में लोगों ने उसके अनुभवों का लाभ भी उठाया। लेकिन हम ये कहते हैं कि उस समय से, क्योंकि क्यों, कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी थी, एक तो जो गांव के लोग थे उनको जंगल से दूर किया जा रहा था, दूसरी बात यह है कि जंगल का, जमीन का, जंगल का, पानी का और जंगल का और लोगों का जो कारक भी हैं और परिणाम भोक्ता भी है, उनके जो अंतर संबंध हैं उसको समझने की एक बात थी। और इसके लिए हमने उसके बाद कई लोगों ने वो भी किया, लेकिन हमने केवल पेड़ बचाने के उसमें, जैसे कहते हैं कि साहब महिलाएं क्यों जुड़ी, क्योंकि जो आदिवासी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पर गृहस्थी के संचालन की मुख्य भूमिका महिलाओं के ऊपर होती, माने चाहे खेत का काम हो, घर के कारोबार का काम हो, जंगल का काम हो, तो मुख्य रूप से महिलाओं को ही। इसलिए हमने देखा कि जो प्रभावी हैं, माने यदि उसमें पुरुष भी हैं तो वो भी प्रभावी हैं, तो उनकी समस्या को उनकी समझ के मुताबिक रखना चाहिए। हमने सीधे सीधे कहा कि बहन जी, दीदी, आपकी सास कितनी दूर जाती थी, कितनी देरी में घास लेकर के आती थी, तो पता चला कि साहब वो तो 2 घंटे में ले आती थी, आज कितने घंटे लगते हैं कि 4 घंटे, क्यों, क्योंकि जंगल और पीछे चले गए, तुम्हारा समय इस पर। तो उनकी बात को उनकी समझ के मुताबिक हमने रखने का प्रयास किया, क्योंकि तब जा कर के आज की तरह, मतलब तब टेलीविज़न या इस प्रकार के, हम आप देखेंगे कि चिपको आंदोलन के बहुत कम पेपर उस प्रकार के, जैसे लोग पर्चे छपवाते हैं, ये सो ये भी हमने बहुत कम वो किया। तो एक तरफ से जमीन की, जमीन के आदमी की बात की, और जैसे रैणी आंदोलन की बात है कि जिसमें, क्योंकि 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में जो बाढ़ आई थी, उसके कारण बद्री, जैसे 2013 में केदारनाथ में 10,000 लोग मारे गए, इसी प्रकार 20 जुलाई 1970 को बद्रीनाथ जी से 25 बसें आ रही थी और एक बेला कुछ स्थान था वहाँ पर वो बह गई थी, कुछ यात्री भी मारे गए, जमीन और पुल सारे, सड़क इत्यादि और यात्री फंस गए कुछ बद्रीनाथ की तरफ जगह जगह। तो उस समय हम लोग तो रिलीफ के लिए गए थे गाँव में, क्योंकि आज कहीं कोई डिजास्टर होता तो पूरे देश और दुनिया के लोग पहुंच जाते, उस समय ये सारी बातें तो थी नहीं। तो हमने 25-25 किलो राशन लेकर के वहाँ गए और ये बात समझने का प्रयास किया कि ये बाढ़ क्यों आई। तो लोगों के अनुभवों के आधार पर लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ लैंडस्लाइड हुआ और अलकनंदा रुकी।
तो जो अंतर संबंध है वो लोगों ने एक तरफ से प्रत्यक्ष बताया, और उस सब पत्र को लेकर के उस समय डॉक्टर के एल राव सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनके पास मैं अगस्त 1977 को गया। मैंने कहा कि ये बाढ़ जो है वो मानव कृत है या प्राकृतिक है, और उन्होंने बाद में पता चला कि डीएसटी के कोई नायर थे सेक्रेटरी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। अब उस कमेटी ने क्या निर्णय लिया अलग बात है, लेकिन अलकनंदा की उसी घाटी में फिर से पेड़ काटे जाने के लिए छापे गए, माने ये पेड़ काटे जाए। तो हमने लोगों से सीधे कहा कि भाई 1977 में बाढ़ आई, आप लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ बाढ़ आई, लैंडस्लाइड हुआ और उसके कारण अलकनंदा बॉक्साइड इतना नुकसान हुआ, यदि फिर से पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा। लोगों ने कहा कि बाढ़ आई तो ये कैसे बचाना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो सरकार के साथ हमने फिर मंडल फाटारामपुर की बातें उनको बताई, लेकिन हमने इलाके में घूम घूम करके वार्ड डॉग कमेटी पुरुषों की बनाई थी, वो जनजातीय इलाका था, भोटिया महिलाएं थी और महिलाओं को शामिल नहीं किया, लेकिन महिलाएं सुनती रही। और जिस दिन पेड़ काटे जाने वाले थे उस दिन वन विभाग ने ऐसी तरकीब की कि मुझे तो गोपेश्वर में कंजर्वेटर ने बातचीत के लिए बुला दिया, और वहाँ के पुरुषों को चमोली में कुछ मुआवजा इत्यादि पैसा देने के लिए। इलाके में कोई पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं थी और मजदूर भेज दिए। अब मजदूर जैसे ही वहाँ गए तो बहनों ने कहा कि भाई कुछ लोग आए थे जो कह रहे थे पेड़ कटेंगे तो लैंडस्लाइड होगा, हमारे बगड़ माने खेत इत्यादि नष्ट हो जाए। तो वो गोरा देवी महिला मंगल दल था, छोटा सा गाँव, और उनके उसमें कि कल को बेटा आएगा मान मेरे लिए और वो आएंगे तो फिर तो दोबारा पेड़ चिपकाया नहीं जा सकता। वो बहनें गई और उन्होंने कहा कि ये जंगल हमारा मायका है। मैं समझता हूँ आप जानते हैं कि मायका से किसी भी लड़की को कितना वो मिलता है, और वहाँ पर जंगल से अखरोट साग सब्जी इत्यादि यो उन्होंने मतलब यह कि वो मायका की जो व्याख्या मैंने कहा कि वो किसी उसमें हो नहीं सकता तो चिपको। लेकिन इसी बीच उस इलाके के जो छात्र गोपेश्वर में पढ़ते थे उनसे भी हमने कहा कि भाई यदि फिर से पेड़ काटे जाएंगे तो तुम्हारे बगड़ बह जाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो गोपेश्वर पीजी कॉलेज के लड़के भी उसमें शामिल हो गए और उन्होंने डीएम को कहा कि यदि पेड़ कटेंगे तो हम भी आंदोलन में, माने इस प्रकार से एक दबाव। और जब वहाँ गए तो कहा नहीं कि वो महिलाओं को लग गया था कि ये लड़के भी हमारे साथ हैं, अब कोई शक्ति हमको, और उस इलाके में बिना परमिट के कोई बाहर का आदमी जा नहीं सकता था, मुझे भी परमिट लेकर के ही, माने वो बॉर्डर एरिया था। तो इस प्रकार से महिलाओं ने बिल्कुल, तब न मीडिया था, एक महीने बाद फिर बाहर की दुनिया को पता चला। हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने कहा, उन्होंने बुलाया बातचीत के लिए, और वहाँ भी चीफ उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं, और उस कमेटी में चीफ कंजर्वेटर को चेयरमैन बना रहे थे। हमने कहा जिन्होंने वर्किंग प्लान बनाया उनको हम अध्यक्ष नहीं मानते। तो उन्होंने कहा भाई एक दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित एक अध्यापक एक बार जो बात तुम कह रहे वही वो भी कह रहे थे, उनका नाम उनको मालूम नहीं था, वो अध्यक्ष बनेंगे। तो हमने कहा मास्टर है तो हमको बिल्कुल स्वीकार्य है, और बाद में उनको खोजने की बात है ये तो अलग से बात है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, फिर उनको मैंने भी खोजा, वो तो अपने आप में एक और उस कमेटी के वो चेयरमैन रहे। और उस दिन से आपका जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम अपने एक तरफ से गुरु गृह की तरह मानते हैं। जैसे आप लोगों ने जब वो किया कि साहब यहाँ पर बातचीत के लिए आऊँ तो मुझे उसमें कहीं किसी अधिकारी वर्ग के उसमें वो होता तो वहाँ तो हम टाल भी सकते थे, लेकिन गुरु लोगों से तो मुझे मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मुझे भी कुछ प्राप्त हो। मैं क्या बोल रहा हूँ वो उतना महत्व नहीं है जितना कि आप सब लोगों से मुझे क्या मिल सकता है। जैसे मैंने बताया आप दोनों के बारे में तो आप लोग तो प्रत्यक्ष आए ही, जब ऊर्जा का एक जमाने में आज से 4 या 5 दशक पहले आप तो मुझ जैसे ग्रामीण अंगूठा छाप व्यक्ति को आपने भी वहाँ
पहली बार सचिवालय में या उस भवन में, मुझे ठीक याद नहीं कौन सा भवन था, तो मतलब यह है कि इस प्रकार से अलग अलग लोगों से हमको समय समय पर, फिर चाहे कुछ नाम तो आपने लिए, आप पी पी त्रिवेदी, पी एस त्रिवेदी हैं, प्रोफेसर हनुमंता राव, और हमने सबको कहा कि भाई आप सड़क के किनारे मत जाइए, बल्कि जो अंतर्वर्ती इलाके हैं पैदल 5-5 किलोमीटर। तो प्रोफेसर हनुमंता राव तब इकोनॉमिक्स उसमें वो थे, और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी। तो इस प्रकार से मतलब इस आंदोलन में विद्यार्थी महिलाओं का तो अग्रणी भूमिका रही, लेकिन युवाओं की, छात्र छात्राओं की अद्भुत योगदान रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय के भी कई प्रोफेसर बाद में। और न केवल संघर्ष जो चिपको आंदोलन है, इसके अलावा आप लोग जो बद्रीनाथ जाएंगे जब, तो एक जगह विष्णुप्रयाग है जोशीमठ के नीचे, अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम है, उसके सामने पूरा जोशीमठ धस रहा था। और 1970 एक तरफ हम चिपको में लगे थे, दूसरी ओर पहाड़ी धस रही थी। तो गोपेश्वर पीजी कॉलेज, इंटर कॉलेज और कुमाऊं विश्वविद्यालय का अल्मोड़ा कैंपस, जिसमें शेखर पाठक, प्रदीप टमटा भी ये राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इस प्रकार से करीब 2 दर्जन के करीब लड़के वहाँ से भी आए। 45 दिन तक 150 लड़के जोशीमठ के निचले भाग में, जहाँ लैंडस्लाइड हो रहा था पूरा, वो वहाँ पेड़ लगाने के लिए पत्थर की दीवार, पिट्स इत्यादि बनाए। और भूरेलाल जी उस समय डीएम थे, जब वहाँ हल्ला होता था तो शायद गुप्तचर विभाग वालों ने कहा होगा कि वहाँ 150 लड़के कैंप डाल रखा है, क्यों क्या करें, तो वो स्वयं पहुँच गए, जंगलात के लोग भी पहुँच गए। तो उन्होंने भी देखा कि जोशीमठ के निचले भाग में भयंकर दरार पड़ी हुई है, तो वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उस समय कहा कि भूरेलाल जी ने, कि जो आप लोग इस समय पसीना बहा रहे हैं, कल को ये खून का काम करें, आप बद्रीनाथ जाएंगे तो विष्णुप्रयाग के सामने की जो पहाड़ी है वो आज ये पता नहीं चलता कि ये कैसे हरा भरा हो गया। उसके बाद वन विभाग ने भी उस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया। तो इस आंदोलन का मुख्य रूप से अलकनंदा घाटी में एक और पेड़ लगाने का, और दूसरी ओर पेड़ बचाने का। और वहीं नहीं, जैसे कुमाऊं में भी वो कोसी के पास कटारमल में, जो कुमाऊं उसके फौरन बाद अल्मोड़ा कैंपस के लड़कों ने, आप लोगों ने वहाँ भी वृक्षारोपण का कार्य किया। तो इस प्रकार से प्रशासन पर केवल संघर्ष ही संघर्ष नहीं, बल्कि रचना का काम भी साथ साथ, और आगे चल करके पानी इत्यादि। तो आज सवाल यह है कि हिमालय का जो अंतर संबंध है, हिमालय सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो साहसिक लोग हैं उनको जोखिम का खेल खेलने का भी वो है, कवियों का कल्पना स्रोत, आप लोग विषय विशेषज्ञ शोधार्थियों का जो वैज्ञानिक हैं उनका भी वो एक तरफ से आदर्श अध्ययन का केंद्र है, और जो पर्यटक हैं उनके लिए, और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको स्वर्ग और न जाने क्या क्या कहा जाता। लेकिन आप में से ही कई भूगर्भविद होंगे और आगे चल करके भूगर्भ के बारे में या विषय विशेषज्ञ, वो तो कहते हैं कि हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है और मौसम को प्रभावित कर रहा है। तो इस बात को आज समझने की आवश्यकता है कि हिमालय सैलानियों का स्वर्ग है, धार्मिक आस्थावानों के लिए देवभूमि इत्यादि तो है ही, लेकिन वो हमारे यहाँ एक कहावत है, उसको कहते हैं गढ़वाली में प्यांकू, प्यांकू माने कोई बच्चा बिल्कुल थोड़ा छेड़ो तो रोने लग जाता है। इसी प्रकार हिमालय को थोड़ा भी छेड़ो तो वो दरकने लग जाता है, और यदि हिमालय दरकेगा तो हिमालय के अंतर संबंध, क्योंकि आज पहाड़ के लोग तो ऊपर पहुँच ही गए, वो तो नदियाँ घाटी में, हिमालय से गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस तीन नदियाँ उद्गमित हो रही हैं, और इन तीनों नदियों का जो बेसिन है वो 43% है, और जो वाटर बजट है हिमालय की नदियों का वो 63% है, जिसमें अकेली गंगा जो है 25 और 26% उसका बेसिन है, और
11 राज्य गंगा के उद्गम में हैं, गंगा के बेसिन में हैं, और 25% वाटर बजट गंगा में है। एक बार आचार्य दादा धर्माधिकारी सर्वोदय के मीमांसक रहे, 1961 में उनके साथ में साधना केंद्र बनारस से राजघाट और विश्वनाथ के दर्शन करने आता था यहाँ वहाँ, तो वो कहते थे उन्होंने कि मुझे रास्ते में तुम प्रश्न पूछो। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि दादाजी गंगा का इतना महत्व क्यों है, तो उन्होंने बहुत सरल स्पर्श, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पूर्वज स्वर्ग जाएंगे, ये उन्होंने कहा कि पूरे देश की आर्थिकी गंगा के साथ जुड़ी, और हमारे पुराने लोगों ने जो इस प्रकार से गंगा की महत्ता वो की, क्योंकि गंगा यदि वो गड़बड़, क्योंकि आज दिल्ली में भी 4-5 साल पहले हमने सुना था कि ISBT में नावें चली, यमुना जो आती है जो गंगा की मुख्यधारा है, जहाँ से वो आ रही है वहाँ से मिट्टी आ रही है, यमुना का तल बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है, तो इसलिए ISBT क्या वो और भी फैलेगा। श्रीनगर कश्मीर में जो 1914 में और 15 में 1914-15 में हुआ, उसमें लोग जो भी कहें, लेकिन 1979 में शेखर जी हम लोगों ने वहाँ की यात्रा की थी कश्मीर की, तो उलर लेक, दरियाई जेलम इत्यादि में लोगों को पूछा तो लोगों ने कहा कि साहब पहले क्योंकि ये पहाड़ों से मिट्टी इतनी तेज़ी से, पहाड़ नंगे हैं, इतनी तेज़ी से आ रही है कि दरियाई जेलम और उलर लेक इत्यादि मिट्टी से, वो पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती में वो स्पष्ट लिखा हुआ है जो लोगों ने कहा, इसलिए ये डूब जाए। तो 2014-15 में वो साफ दिखाई दिया, क्योंकि हमने अपने पहाड़ों को, मिट्टी को, अपने पानी को, अपने जंगल लोगों की समस्या को वो नहीं। तो इस प्रकार से इस आंदोलन में मेरी अपेक्षा यह है कि युवा आप लोग अध्ययन के साथ साथ हिमालय को समझने के लिए, क्योंकि हिमालय में गड़बड़ी होगी तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, जो अंतर संबंध है, यदि हिमालय में गड़बड़ी हो रही है तो हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंद्रस, अभी आपने सुना होगा कि जो इसी साल अपने असम से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया, और नेपाल की जो नदियां हैं करीब 4 दर्जन नदियां, वो नदियां हमारी गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और घाघरा में समाहित होती है, तो वहाँ से क्योंकि इस साल अतिवृष्टि हुई वहाँ से वो सारी मिट्टी, तो नेपाल का मतलब हिमालय, क्योंकि प्रकृति तो ये नहीं देखती है ना कि नेपाल अलग राज्य है, इसलिए हमने तो प्रधानमंत्री जी से, वर्तमान प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया कि नेपाल, भूटान, तिब्बत और भारत का एक पारिस्थितिकीय मोर्चा बनना चाहिए, और वार्निंग सिस्टम जैसे समुद्र के तूफान के बारे में किया जाता है, वैसे ही हिमालय के बारे में वो क्या विचार कर रहे हैं उसमें एक अलग सवाल है, इसी प्रकार तो हिमालय का उसका, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर, जैसे मैंने बताया कि कुमाऊँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय के लड़के यदि उस समय हमारे साथ सम्मिलित न होते चिपको आंदोलन में, वो DM को वो नहीं, माने कई लोग कहते हैं कि महिला ने या चंडी प्रसाद या फलाने लाल ने वो किया, उसका वो मतलब इसमें, बल्कि आगे चल करके उन अधिकारियों का भी अभूतपूर्व योगदान रहा जो पहले हमारा विरोध कर रहे थे, इसीलिए चिपको की जड़ें इस प्रकार। तो अपने प्रकृति को समझने के लिए मेरा माननीय कुलपति जी से प्रार्थना है कि इसके आसपास अरावली का कोई वाटरशेड लेकर के और लड़के उसके बारे में विज्ञान सम्मत ढंग से जानकारी हासिल करें और देश के सामने रखें कि अरावली ठीक स्थिति में है या गड़बड़ स्थिति में। यदि मौका मिलता है तो हिमालय के भी किसी वाटरशेड में, माने गर्मियों के छुट्टी के दिनों में, जैसे हम लड़कों को हमने कहा कि टोकन मनी भी, मैंने तो जब ये अशोक ठाकुर जी थे सेक्रेटरी शिक्षा विभाग के, तो हमने कहा NSS जैसा हो रहा है इसी प्रकार, मतलब कि अलग अलग वाटरशेड में अध्ययन के लिए लड़कों को भेजा जाए, उनके साथ एक अध्यापक जो जिस विषय का वो हो, और ये अध्ययन करके, प्रारंभिक अध्ययन करके फिर उस पर शोध
अलग ढंग से हो, तो ये कार्य आप लोग करते हैं और मौका मिलते ही उत्सव के रूप में नहीं, मैंने जीवन में ये रखे। आजकल तो ये होता है कि 15 अगस्त को 26 जनवरी को हम पेड़ लगाते हैं, उसके बजाय हम जीवन में ये लक्ष्य करें कि साहब 5 पेड़ हम लगाएंगे और उनको जीवित रखेंगे और वही नया तीर्थ भी बनेगा। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रदीप टमटा अपनी पत्नी को लेकर के बद्रीनाथ गया, तो विष्णुप्रयाग के पास उनकी पत्नी मुझे बता रही थी कि वो जंगल उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़कों ने ये किया। 2013 में पूरे उत्तराखंड प्रभावित हुआ, सारे जगह रोड बंद हुई, लेकिन वो जंगल सुरक्षित रहा। जहाँ चिपको आंदोलन चला चमोली से उखीमठ की सड़क जहाँ पहली बार चला, वो सड़क पूरी सुरक्षित रही। तो वृक्षों की इस प्रकार की महिमा, तो हम जहाँ पर हैं हमारी पहली तो सोच उस दिशा में होनी चाहिए और सोच के साथ साथ कुछ रचना का काम भी, माने केवल सोच को व्यवहार में प्रतीक के रूप में, माने आप हमारी तरह वो तो कर नहीं सकते हैं, जैसे अभी शेखर जी ने कहा कि अलग अलग ढंग के जो लोग जुड़े, मुझे याद है कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो आज उस पद में रहते हुए अपने उसमें कम, तो आप लोग भी कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा तो अब तो आपकी दृष्टि धरती के प्रति, पेड़ों के प्रति, पानी के प्रति, उसके बीच में रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति रहेगी और कुछ ना कुछ आप उस आधार पर योजना बनाएंगे, रचना का काम करेंगे, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे अशोका विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने जो ये मौका आप सबके साथ बातचीत करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर माननीय कुलपति जी पूरे समय रहे, प्रोफेसर राम गुहा और महेश जी, तो सबके लिए फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नॉर्मल टू गिव वोट ऑफ थैंक्स बट गोइंग बियॉन्ड फॉर्मैलिटी आई फर्स्ट वॉन्ट टू थैंक दोज who have worked very hard to get this place ready and to ensure that our chief guest has a present stay. So please join me in thanking Deepshika from the archives, Deepa Bhatnagar, Raveen, most important for us, Surit, and of course, Venkat. We are very grateful to Professor Ram Guha and Professor Shekhar Pathak, who have graced us with their time and who have shared their thoughts with us. Of course, to Vice Chancellor, भट्ट जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमें याद दिलाया। कई बरस पहले प्रोफेसर रामचंद्र गांधी ने कहा कि संघर्ष के लिए सुझाव और संवाद की ज़रूरत है, स्ट्रगल कैन नॉट बी देयर विदाउट सजेशन एंड डायलॉग। आपने हमें याद दिलाया हम सबको कि सृजन की भी उतनी ज़रूरत है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वर्क इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज स्ट्रगल। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा है कि हम आपके ही कदमों में चलेंगे और आपने हमें उत्तेजित किया है, हमें प्रेरणा भी दी है और आज हमारे लिए उल्लास का भी दिन है। इट्स अ डे ऑल्सो ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर अस बिकॉज वी हैव हैड एन ओकेशन टू रिमेंबर दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली समथिंग टू बी स्टडीड, इट इज़ ऑल्सो मेड। तो आप के आने से हमें बेहद खुशी हुई है और आपके साथ हम बने रहेंगे। आशा है कि आने वाले दिनों में भी हमारे छात्र और अध्यापक दोनों को आप मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।